औद्योगिक क्षेत्र झाड़माजरी के गांव बटेड़ में स्क्रैप गोदाम जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए 6 घंटों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात चल रहा है, जिसकी छानबीन की जा रही है। स्क्रैप में लगी आग से बरोटीवाला इंडस्ट्री एरिया में आसमान में धुएं का काला गुबार फैल गया। जानकारी के अनुसार आग की घटना नजीर हुसैन के स्क्रैप गोदाम में हुई। इस घटना में करीबन 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 1 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति को आग से बचाया गया। नहीं, जैसे ही हमें आज पता लगा कि आग लगी है, हमने उसकी छानबीन भी की है और आज तक पंचायत के ध्यान में ये कोई बात नहीं है कि इन्होंने आग कबाड़ खाने का खोल रखा है। और आग जो है अचानक लगी है, जाके इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही हमने इनको कोई एनओसी वगैरह दे रखी है। उसको नोटिस निकालेंगे हम जाके, और इन्होंने सामलात जगह भी कवर करी हुई है, उसके बाद इन्होंने सारा नाला भी कवर कर रखा है, और जिसकी की कोई हमारे से कोई इन्फॉर्मेशन है एनओसी नहीं ले रखी इन्होंने। इसके साथ ही हाई वैली की रहश के मकान है, उनको भी नुकसान पहुंच सकता था। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोनी।